जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो लोगों को फोन करके और उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मेरा हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती चाहे एसटेट के एग्ज़ाम हो, इसमें लगातार छात्रों का ये आ रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हो रहा है, क्योंकि छात्रों को लगातार फ़ोन्स भी आ रहे हैं, कॉल, उनका सारे डिटेल्स भी बताया जा रहा है। इसको लेकर के ईओयू की तरफ से क्या कहा गया है और चेयरमैन सर ने क्या कहा है? सबसे पहले जो ईओयू की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसको देखेंगे, देन जो चेयरमैन सर ने क्या कुछ कहा है उसको हम लोग देखने वाले हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हाल में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की हुई हैं, जो एसटीईटी की परीक्षा है या जो बीपीएससी से शिक्षक की बहाली की परीक्षा है, इसमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कई आपराधिक गिरोह और इस तरह के जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो लोगों को फ़ोन करके और उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस तरह के झांसे में मत आए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, सरकार ने पारदर्शी तरीके से सारी प्रक्रिया को अपनाया है और परीक्षा जो एजेंसी ले रही है वो समय समय पे सारे डिटेल्स अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर रही हैं, तो इसीलिए आप इसके झांसे में मत आएँ। और अगर आपको कोई ऐसा कोई आदमी आपके साथ आपसे पूछता है या आपको कहता है कि आप पैसा दें, तो आप जो भी उचित फोरम है उसमें जरूर कंप्लेन करें और ऐसे विरोधों के तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करें। तो वीडियो में आपने देखा साथियों कि ईओयू की तरफ से जो सर ने बताया कि इसमें चाहे स्टेट को लेकर के है या हाल ही में जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती हुई है उसमें धांधली को लेकर के, सेटिंग को लेकर के लगातार छात्रों के पास कॉल आ रहा है, और उसके लिए सर ने बोला है कि आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहें, झांसे में किसी के ना आए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर चेयरमैन सर ने कहा है कि पेइंग ब्रोकर्स फॉर अ टीचर पोस्ट इन टीआरई इज लाइक बाइंग लैंड ऑन द मून। मतलब सर का कहना है यहाँ पे कि अगर आप किसी ब्रोकर को यानी किसी सेटर को अगर आप पैसा देते हैं कि हमारा टीचर में नौकरी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये समझिए कि चांद पे ज़मीन खरीदने के बराबर है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिरी छात्रों का जो इन्फॉर्मेशन है, चूँकि बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि प्रॉपर उनका रोल नंबर भी बताया जा रहा है, जो भी सेटर को कॉल आ रहा है कि आपका ये रोल नंबर है, आप इस क्लास के लिए अपियरिंग हुए थे बीपीएससी में, आपका एग्ज़ाम निकलवा दिया जाएगा, या एस्टेट का है जो उसमें भी छात्रों का क्वेरी आ रहा है कि उसमें प्रॉपर उनका रोल नंबर भी उस सबको पता है, आखिर ये डेटा लीक कहाँ से हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है। वो मान के चलिए कि सेटिंग होगा या नहीं होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आखिर डेटा लीक कैसे हुआ ये सबसे बड़ा सवाल आता है। कहीं ना कहीं जो अंदर कुछ कर्मचारी होंगे, जो स्टाफ होंगे बिहार बोर्ड के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत होगी, तभी एस्टेट का इन्फॉर्मेशन छात्रों का लीक हुआ होगा। तो ये जांच का विषय है, इस पर जरूर जांच होनी चाहिए। चेयरमैन सर ने यहाँ पे कहा है कि मतलब यहाँ पे ब्रोकर्स को पैसा दे करके कोई नौकरी नहीं ले सकता है, ठीक है, आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन सर इसमें ये भी जाँच होनी चाहिए कि आखिर डेटा लीक कैसे हुआ, क्योंकि छात्र का रोल नंबर और बिना बताए कैसे किसी को पता चल जाएगा और प्रॉपर कॉल करके बोलता है कि आपका रोल नंबर ये है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो झोल है, बड़ा झोल, उसको यहाँ पे जांच करने की ज़रूरत है ताकि छात्र हित में जो भी है फैसला हो सके। आप लोग का इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए अपडेट में जल्द ही। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ। धन्यवाद।